अबू खालिद फरमाते हैं, मैंने इमाम जैद से कुल्स कय के बारे में पूछा, अगर किसी को उल्टी हो जाए, वॉमटिंग हो जाए, तो आपने फरमाया वो थोड़ी हो या ज़्यादा वुज़ू करना लाजिम है। यानी अगर कोई शख्स वुज़ू किया था, उस वुज़ू के बाद अगर उसको उल्टी हो जाए, वॉमटिंग आ जाए, चाहे थोड़ी कय हो या ज़्यादा हो, हर सूरत में वुज़ू टूट जाता है, दोबारा वुज़ू करना लाजिम है। नंबर 6, हद्दसनी ज़ैद इब्न अली अन अबीहि अन जद्दिही अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-क़ुल्सु युफ़सिदुल वुज़ू क़ाला अबू खालिदिन रहिमहुल्लाहु तआला वसअल्तु ज़ैदन अन अल-क़ुबलति तन्क़ुदुल वुज़ूअ फ़क़ाला ला यन्क़ुदुल वुज़ूअ इल्ला अल-हदथु वलैसा हादा बिहदथिन क़ाला वसअल्तु ज़ैद इब्न अली عليه السلام عن الرجل يأكل لحم الإبل أو لحم الغنم هل ينقض وضوءه فقال لا وقال إنما الوضوء من ذلك أدب। امام زيد رضی اللہ عنہ اپنے والد اور اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قلس یعنی منہ بھر کر قے وضو کو توڑ دیتی ہے، اگر کسی کو منہ بھر کر قے ہو جائے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ابو خالد بیان کرتے ہیں۔